अगर एलिगेटर और क्रोकोडाइल की लड़ाई हो जाए तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन जीतेगा? लड़ाई तो दूर की बात, शायद कुछ लोगों को तो इनके बीच में फर्क भी नहीं पता होगा। तो पहले उसके बारे में बात करेंगे और फिर देखते हैं कि इनके बीच में कौन जीतेगा। जो एलिगेटर होते हैं उनका मुंह थोड़ा यू शेप का होता है और जो क्रोकोडाइल होते हैं उनका मुंह थोड़ा वी शेप का होता है। एक एलिगेटर का वजन 450 किलो के आसपास होता है और उसके काटने की क्षमता 260 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। एलिगेटर नॉर्मली किसी को कुछ नहीं कहते जब तक उन्हें कोई छेड़े ना, लेकिन क्रोकोडाइल कई बार बिना बात के भी हमला कर देते हैं। वहीं क्रोकोडाइल का वजन 1000 किलो के आसपास होता है और उसके काटने की क्षमता 350 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो अगर बात करें इनकी लड़ाई की तो जो पहले काटेगा वही जीतेगा, क्योंकि दूसरा छुड़ा नहीं पाएगा और हार जाएगा। तो यहाँ भी क्रोकोडाइल ही बाजी मारता है, क्योंकि उसका मूड थोड़ा गुस्से वाला होने की वजह से ज्यादातर टाइम पहले वो ही काटेगा और क्रोकोडाइल ज्यादातर टाइम जीत जाएगा और एलिगेटर हार जाएगा।